वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और इनके कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को जानने से पहले आपको रिसेप्टर्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। अपनी लास्ट की वीडियो में रिसेप्टर के बारे में डिस्कस किया है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को हम 7 मेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स क्या होता है, एक सेल सरफेस रिसेप्टर है। हमने जब रिसेप्टर के बारे में डिस्कस किया तो हमने हमें बताया था कि रिसेप्टर्स आखिर क्या होते हैं। रिसेप्टर्स या तो सेल की सरफेस यानी कि सेल के आउटर लेयर पे या फिर सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कौन से रिसेप्टर हैं जो सेल की सरफेस पे पाए जाएंगे, मतलब आउटर लेयर ऑफ द सरफेस जो पाए जाएंगे वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर सेल की सरफेस पे पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इसको हम 7 मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स बोलते हैं। हम इसको 7 मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 7 मेम्ब्रेन मतलब 7 मेम्ब्रेन रिसेप्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का, उसमें 7 लेयर्स होती हैं जो सेल से पास होती हैं। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है जिसमें वो 7 लेयर सेल मेम्ब्रेन से 7 टाइम पास होती हैं, इसलिए इसे हम 7 मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी बोलते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में जो आपका सिग्नलिन मॉलिक्यूल होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर लूप में होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर लूप में होने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये आपकी सेल है तो इसमें जो आपका जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है और इसमें जो आपका जी प्रोटीन है वो ऐसे 7 टाइम पास हुआ है, ठीक है। और अब जो आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो आउटर साइड ऑफ द सेल के जो आउटर साइड जो पार्ट होगा उस पर जाके अटैच होगा, यानी इफेक्टर साइड ये है, यानी यहीं से ही कोई एगोनिस्ट या फिर एंटागोनिस्ट आके बाइंड होगा, ठीक है। तो जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग जो बाइंडिंग साइड है वो कहाँ पे है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल के बाहर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के पास ये टेंडेंसी है कि जो उसमें प्रोटीन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर GDP या फिर GTP दोनों से ही बाइंड होते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि उन्हें किस तरीके की एक्टिविटी देनी है, उसी के अकॉर्डिंग वो GDP या फिर GTP से बाइंड होंगे। GDP का मतलब है ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट और GTP का मतलब है ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में तीन यूनिट्स होती हैं और इसमें जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में तीन यूनिट्स होती हैं मतलब क्या है, जो आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है इसमें अल्फ़ा बीटा एंड गामा तीन यूनिट्स होती हैं, ठीक है। और इन तीनों ही यूनिट्स में जो आपकी अल्फ़ा एंड जो गामा यूनिट है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन से अटैच होती है, मतलब जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है इसमें से जो आपकी ये लेयर जा रही थी जिससे आपका जी प्रोटीन 7 टाइम पास हो रहा था, उसके बाद यहाँ पे तीन यूनिट्स पाई जाएंगी अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो जो आपकी गामा और अल्फ़ा यूनिट होगी वो कहाँ पर अटैच होगी, वो लिपिड मेम्ब्रेन में अटैच होगी। वो हम अभी नीचे डिस्कस कर लेंगे, ये स्ट्रक्चर उसका हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। वो कहाँ पे अटैच होगी, वो आपकी सेल मेम्ब्रेन में अटैच होगी, यानी वो जो सेल की सरफेस है वहाँ पे वो अटैच होगी, ठीक है। इसके अलावा जो आपका जो जी प्रोटीन है वो अगर GDP से बाइंड होगा तो इनएक्टिव एक्शन देगा, GTP से बाइंड होगा तो एक्टिव एक्शन देगा, यानी GTP एक्टिव फॉर्म है और GDP इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि उससे कौन सी चीज जी प्रोटीन से क्या अटैच है, वो उसके अकॉर्डिंग एक्शन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जो हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, जैसे कि हमने बोला कि ये 7 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, देखिए एक 7 मेम्ब्रेन हम इसको क्यों बोल रहे थे, क्योंकि ये 7 टाइम सेल से पास होता है। तो आप ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 7 टाइम ये सेल मेम्ब्रेन से पास हो रहा है, इसीलिए इसको 7 मेम्ब्रेन रिसेप्टर बोलते हैं। इसके अलावा इसमें 3 सब यूनिट होती है, हमने बताया, तो 3 सब यूनिट्स, और वो भी 3 सब यूनिट्स जो होती हैं वो कहाँ होगी, इंटरनल साइड पे होंगी। यहाँ पे देखिए जी अल्फ़ा बीटा एंड जी अल्फ़ा गामा
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना, ये आपकी ये इनर सरफेस है और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा एंड गामा यूनिट्स यहाँ पे बाइंड है, ठीक है। इसके अलावा हमने ये बोला कि जो आपका इफेक्टर साइड है यानी जहाँ से एगोनिस्ट या फिर एंटागोनिस्ट बाइंड होगा वो सेल के सरफेस के बाहर होता है। तो यहाँ पे जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं ये आउटर ऑफ पार्ट ऑफ द सेल है, ये आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पार्ट है। तो यहीं पे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की जो मॉलिक्यूल बाइंडिंग की साइट होगी वो यहाँ पे अटैच होगी और लास्ट के मॉलिक्यूल की बाइंडिंग साइट पे हमारी तीन सब यूनिट्स अटैच होंगी, ठीक है। और उसके अलावा जो आपका बीटा, जो आपका अल्फ़ा एंड जो आपका गामा यूनिट है वो कहाँ पर अटैच है, सेल मेम्ब्रेन के पास अटैच है। तो आप देखिए यहाँ पे जो आपका अल्फ़ा यूनिट है और जो आपका गामा यूनिट है दोनों ही कहाँ पर अटैच है, जो आउटर लेयर ऑफ द सेल है वहाँ पर अटैच है, ठीक है। देखिए जब भी आपकी सेल से एगोनिस्ट बीटा रिसेप्टर में जब आपकी सेल से एगोनिस्ट आके बाइंड होगा तो क्या होगा, एगोनिस्ट आगे बाइंड होगा तो एगोनिस्ट आपका यहाँ आके बाइंड हो रहा है, आके बाइंड होगा, उसके बाद ये क्या होगा कि सेल की सरफेस के थ्रू आउट ऑफ द सेल सरफेस सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। मतलब अब ये जब आपके बाइंड हो गया तो उसके बाद ये यहाँ से सिग्नल ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से ट्रांसफ़र होते 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 वो कहाँ तक जाएगा, वो अल्फ़ा सब यूनिट तक जाएगा। तो जब अल्फ़ा सब यूनिट तक वो सिग्नल पहुँच जाएगा तो क्या होगा, जो ये आपका GDP था वो GTP में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट में, ठीक है। जब ये कन्वर्जन होगा तो आपका अल्फ़ा यूनिट GTP के साथ बाइंड हो जाएगा और आपका जो गामा एंड बीटा सब यूनिट थे वो एक दूसरे से जाके बाइंड होकर डाइमर बना लेंगे। मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए ये सिग्नल यहाँ पे अटैच हुआ, यहाँ पे गया, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये देखिए यहाँ पे GTP का कन्वर्जन हुआ, यहाँ से एगोनिस्ट बाइंड हुआ, उसके बाद बाइंडिंग होने के बाद जब सिग्नल ट्रांसफ़र हुआ तो आपका ये GDP जो कि यहाँ पे देखिए GDP है, अब वो यहाँ पे GTP में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। GTP में कन्वर्ट होते ही आपका अल्फ़ा यूनिट GTP के साइड बाइंड हो जाएगा और बीटा एंड गामा यूनिट सेल के सेपरेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये सेल से सेपरेट है, देखिए ये दोनों ही चीज़ें सेल से अब अलग हो चुकी हैं क्योंकि पहले वो कंबाइंड थी, अब वो सेल से अलग हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जो आपका GPCR होता है इसमें अब जब GTP बाइंड हो जाता है तो इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं जिससे आपका जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है और अपना रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स देता है। कन्फर्मेशन चेंजेस होगा उसके बाद वो आपका रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये एक डाइमर जो हमने बोला कि आपका जो बीटा यूनिट है वो डाइमर बना लेती है, बीटा यूनिट का डाइमर गामा का डाइमर हो जाता है वो, ठीक है। और अल्फ़ा यूनिट जो है वो किससे बाइंड है, वो GTP से बाइंड है, ठीक है, वो GTP से बाइंड है। नेक्स्ट क्या है कि अब जब अल्फ़ा यूनिट से GTP जब बाइंड हो जाएगा तो अब वो सेल से अटैच नहीं रहेगा। बीटा एंड गामा यूनिट सेल से अटैच है लेकिन अल्फ़ा यूनिट जो कि GTP से बाइंड है वो सेल से अटैच नहीं रहेगी, वो सेल से निकल जाएगी और दूसरी जगह पे इंट्रैक्शन करेगी और उस इंट्रैक्शन की वजह से आपके रिस्पॉन्स आते हैं, ठीक है। अगर मेम्ब्रेन जाके रिएक्ट करेगी और उसका रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। देखिए जब और ये रिस्पॉन्स तभी तक आएगा जब तक कि आपका GTP जो है वो अल्फ़ा यूनिट से बाइंड है, ठीक। जब रिस्पॉन्स आ जाएगा और एक्टिविटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आपका जो ये GTP था यानी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट वो कन्वर्ट हो जाएगा GDP ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट में, हाइड्रोलिसिस होगी GTP की और GTP कन्वर्ट होगा GDP में। जैसे ही GDP में कन्वर्ट हो जाएगा, GDP में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो आपका ये GDP आप किससे बाइंड है, अल्फ़ा यूनिट आप किससे बाइंड है, आपके GDP से। तो जैसे ही वो GDP से बाइंड होगी तो वो फिर से बैक मूवमेंट करेगी सेल मेम्ब्रेन की तरफ और वहाँ पे पहले से क्या प्रेजेंट है आपका अल्फ़ा एंड बीटा यूनिट, तो अल्फ़ा एंड बीटा यूनिट पहले से प्रेजेंट है, फिर उनके साथ जब के बाइंड होगी फिर वो वैसे ही कॉम्प्लेक्स अल्फ़ा बीटा एंड गामा का कॉम्प्लेक्स सेल मेम्ब्रेन के पास बना लेगी, ठीक है। देखिए उस चीज़ को जो मैंने अभी आपको बताया वो उसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे सिग्नल यहाँ पर बाइंड हुआ, यहाँ ये आपका पूरा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर यहाँ पे आके एगोनिस्ट बाइंड होगा और इस तरीके से ट्रांसफ़र होगा आपका पूरा मैसेज और उसके बाद ये जाके अपना अल्फ़ा यूनिट ये मैसेज जाके कहाँ जाएगा, ये आपकी अल्फ़ा यूनिट पे जाके ट्रांसफ़र होगा। वहाँ ट्रांसफ़र होते ही आपका ये जो GDP है वो कन्वर्ट हो रहा है GTP में और उसके बाद आपकी ये जो गामा यूनिट है और ये आपकी जो बीटा यूनिट है वो रिलीज़ हो जा रही है दूसरी तरफ,
सेपरेट हो जा रही है और आपका अल्फ़ा एंड जीटीपी यूनिट ये सेपरेट हो जा रहा है। अब ये जो जीटीपी अल्फ़ा यूनिट सेपरेट हुई है वो क्या करेगी, वो कन्फर्मेशन चेंजेस करेगी, अपना रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स देगी और रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स देने के बाद फिर इस जीटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, फिर इस जीटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा और ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा जीडीपी में। जैसे ये जीडीपी में कन्वर्ट होगा ये बैक मूवमेंट करेगा सेल की तरफ, फिर से ये रिवर्स जाएगा सेल की तरफ और सेल की तरफ जाने के बाद फिर से ये क्या होगा, फिर से ये अल्फ़ा बीटा एंड गामा यूनिट का कॉम्प्लेक्स करेगा और वो सेल मेम्ब्रेन से अटैच रहेंगे। फिर से जैसे ही दूसरा एगोनिस्ट मॉलिक्यूल आएगा फिर से यही प्रोसेस सेम रिपीट होगी और फिर ये आपकी अल्फ़ा बीटा ये बैक मूवमेंट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ और फिर से ये अल्फ़ा बीटा एंड गामा यूनिट जाके आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। फिर से आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आएगा और यही सेम प्रोसेस रिपीट होगी। फिर से आपका जीटीपी में जीटीपी से कन्वर्जन होगा। जीटीपी से कन्वर्जन होने के बाद अल्फ़ा यूनिट सेपरेट होगी, बीटा एंड गामा यूनिट एज इट इज़ रहेगी और आपकी जीटीपी यूनिट आपकी रिस्पेक्टिव रिएक्शन देने के बाद फिर से हाइड्रोलिसिस करेगी और जीटीपी में कन्वर्ट होगी और फिर से वही बैक मूवमेंट होगा और फिर से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगी। यही थ्रू आउट ऑफ द ये आपका पूरा साइकिल है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का। ठीक है, आई होप आज का पूरा मैकेनिज्म है आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का। ठीक है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में की मैकेनिज्म में बस इतना ही। तो ये हो गया आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कैसे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं वो कितने टाइप के पाथवे को फॉलो करते हैं। तो तीन तरीके के पाथवे हैं, CAMP पाथवे, DAG पाथवे एंड आइनोसिटॉल ट्राईफॉस्फेट पाथवे। ये तीनों पाथवे के थ्रू आपके जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स काम करते हैं। अब देखिए, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में कुछ प्रोटीन है जिसकी वजह से आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर अपना रिस्पेक्टिव एक्शन देता है, जिसमें से कुछ प्रोटीन्स के नाम है GS प्रोटीन। GS प्रोटीन वो प्रोटीन है जब आप जी प्रोटीन से अटैच होगी। देखिए इसमें क्या है, अब जितने भी प्रोटीन्स के नाम देखेंगे उसमें हमारा एक्टिव मॉलिक्यूल आपने देखा कि अल्फ़ा यूनिट ही है, अल्फ़ा यूनिट ही पूरा रिएक्शन दे रही है, बीटा और गामा यूनिट अपना रिएक्शन नहीं देते। तो अल्फ़ा यूनिट रिएक्शन दे रही है तो अल्फ़ा यूनिट से क्या बाइंड होगा ये डिपेंड करेगा कि आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या फंक्शन देने वाला है। ठीक है, तो अल्फ़ा यूनिट से अगर GS प्रोटीन अटैच होती है तो ये रिसेप्टर को एक्टिवेट करने का काम करता है और आपके साइक्लिक AMP को बढ़ाता है। अगर आपके जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से GI प्रोटीन अटैच होती है तो आपका ये इनहिबिटरी रिस्पांस देता है और ये आपके CAMP के लेवल को डाउन करता है। और अगर ऐसे ही अगर आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से GI प्रोटीन अटैच होती है तो ये क्या करती है, ये आपके स्टिमुलेशन का काम करती है, यानी ये आपके रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगी। तो इन तीनों ही इसी तरीके से और भी कुछ प्रोटीन्स हैं, मेनली आपके लिए ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं। तो इस तरीके से आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर अपने रिस्पेक्टिव प्रोटीन से जैसे ही बाइंड होगा, जिस तरीके की वो प्रोटीन से बाइंड होगा वैसा ही वो एक्शन देगा। तो आपका एक्शन उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपका जी प्रोटीन किस तरीके की इस प्रोटीन से जाके बाइंड हो रहा है जी। ठीक है, आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा और आपने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की मैकेनिज्म को अच्छे से समझा होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम साइक्लिक AMP के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि साइक्लिक AMP कैसे काम करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।